सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे खाली जगहों को भरो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है ख डैश म डैश। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को देखना है ख के बाद जो डैश है उसमें कौन सा अक्षर लिखेंगे। ठीक है, और ये म के बाद जो डैश है इस खाली जगह में कौन सा अक्षर लिखेंगे कि ये सब पूरा हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ख डैश म डैश। ठीक है, ख के बाद क्या होगा, ख के बाद यहाँ पे होगा ख ट म ल। ठीक है, ये क्या मेरा बन गया, खटमल। ठीक है, उसी तरह नीचे देखेंगे कि यहाँ इस दोनों जो डैश है ये नहीं, जो खाली जगह है उसमें क्या भरेंगे कि यह एक शब्द बन जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है डैश रॉ डैश। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, अ के बाद क्या लिखेंगे, द, और र के बाद क्या लिखेंगे, क। तो ये मेरा क्या बन गया, अदरक। ठीक है, उसी के बाद यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क ट डैश डैश। ठीक है, तो इस दोनों खाली जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, क ट ह ल, कटहल। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है न ट डैश डैश। ठीक है, क्या लिखेंगे, न ट ख ट नटखट। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है म डैश ल, क्या होगा यहाँ पे, म ह ल महल। देखिए क्या लिखा हुआ है, प डैश न, क्या होगा, पवन, पवन पवन पहन भी हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प ह न पहन। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, म डैश र, क्या होगा, मगर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प डैश। ठीक है, क्या होगा इस दोनों खाली जगह में, प च प न पचपन। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब डैश प डैश। ठीक है, क्या लिखेंगे, ब च प न बचपन। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है क डैश डैश त, क्या होगा यहाँ पे, क श र त कसरत। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे।